हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि SSR रिले क्या होती है। तो दोस्तों, आज की रिले में हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट रिले के बारे में, और हम बताने वाले हैं कि सॉलिड स्टेट रिले एंड हमारी जो नॉर्मल रिले होती है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी जो SSR रिले होती है वो कहाँ पर हम लोग यूज़ होते हैं। दोस्तों, कहाँ जहाँ पर हम लोगों को लगातार स्विचिंग करानी होती है, तो ऐसी जगह पर हम लोग सॉलिड स्टेट रिले का यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये हमारी थ्री फेज एंड सिंगल फेज दोनों के लिए आती है। दोस्तों, हमारे पास अभी सिंगल फेज के लिए हमारी सॉलिड स्टेट रिले आपको जो इमेज में नज़र आ रही है, सबसे पहले मैं दिखाने वाला हूँ कि कनेक्शन कैसे होते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा 4 नंबर और 3 नंबर टर्मिनल है दोस्तों, इसका इनपुट है 3 से 32 वोल्ट DC। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर हमको इसका कनेक्शन करना है तो कनेक्शन के लिए हम लोगों को SMPS की आवश्यकता पड़ेगी, जो हमारी 230 वोल्ट को 12 वोल्ट DC या 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो रिले को ऑन करने के लिए जैसे ही हम लोग इसको 12 वोल्ट या 24 वोल्ट DC सप्लाई देंगे 4 नंबर और 3 नंबर टर्मिनल पे, तो हमारी रिले ऑन हो जाएगी। अब रिले जैसे ही ऑन होती है दोस्तों, इसके अंदर एक रेड लैंप होता है इंडिकेशन का। ठीक है, तो ये हमें ऑन का इंडिकेशन शो करेगा। इसके बाद दोस्तों, इसकी जो करंट रेटिंग की हम लोग बात करते हैं, तो ये जो रिले है हमारी 40 एम्पीयर मैक्सिमम तक लोड को अंदर से भेज सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग इसके जो आउटपुट वोल्टेज की बात करें, ठीक है, इसमें जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है दोस्तों, वो हमारा 24 वोल्ट से लेके 380 वोल्ट एसी तक के हमारी जो रिले होती है, या फिर 415 जो भी हमारी थ्री फेज सप्लाई होती है। हमारी ये रिले वैसे भी दो टाइप की होती है, सिंगल फेज एंड थ्री फेज, तो उसको कंट्रोल कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें कि हमारी SSR और हमारा जो कॉन्टेक्टर या फिर रिले, इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, अगर हमें कहीं पे लगातार स्विचिंग करवानी है या फिर लगातार किसी भी इक्विपमेंट्स को ऑन एंड ऑफ करवानी है, तो उसके लिए हम लोग SSR रिले को प्रेफर करते हैं। बिकॉज हमारा जो कॉन्टेक्टर होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे मूविंग कॉन्टेक्ट होते हैं। अगर मूविंग कॉन्टेक्ट हमारे बार बार लगेंगे, जिसके कारण क्या होगा, उनके ख़राब होने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। चाहे हमारा कॉन्टेक्टर कोई देख ले या रिलेस को देख ले, तो इनके मूविंग कॉन्टेक्ट वो जल्दी ख़राब हो जाते, तो इसके लिए हम लोग SSR का यूज़ करते हैं। अब SSR में क्या होता है दोस्तों कि हमारा दोस्तों जो हमारी सॉलिड स्टेट रिले होती है, उसमें क्या होता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप इमेज के अंदर दोस्तों, इसमें कोई मूविंग कॉन्टेक्ट नहीं होने के कारण क्या होता है दोस्तों, अगर हम इसे बार बार ऑन ऑफ करते तो इसमें कोई भी हमारा शॉर्ट सर्किट या फिर किसी टाइप के फॉल्ट क्या वो कैपेबिलिटी कम हो जाती। अब हम लोग हमारी SSR कैसे काम करती है, तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों के SSR होती है, उसके अंदर एक LED लाइट होती है। ठीक है, LED लाइट के सामने हमारा क्या सेंसर होते हैं। ठीक है, अब ये सेंसर क्या काम करते हैं दोस्तों, जैसे ही अगर हमारी लाइट चालू हुई तो लाइट हमारा ब्लिंक करेगा, फिर ये सेंस करेगा, सेंस करने के बाद ये हमारा आउटपुट जनरेट कर देगा। इसी प्रिंसिपल पर हमारा SSR रिले काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको SSR रिले के कनेक्शन करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों SSR की वायरिंग के लिए हमारे पास एक NPN सेंसर है, एक SSR रिले, एक बल्ब है और एक SMPS है। सबसे पहले SMPS को हमको 230 वोल्ट AC सप्लाई दे देना है। ठीक है, और हमारा ग्राउंड भी कनेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, हमारा जो पॉजिटिव होगा वो हमको सीधे SSR के पॉजिटिव पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है कि हमारा एक NPN सेंसर होगा। ठीक है, NPN सेंसर होगा तो उसको जो पॉजिटिव होगा उसका पॉजिटिव को पॉजिटिव में कनेक्ट कर देना है सेंसर को। ठीक है, उसके बाद जो उसका नेगेटिव होगा दोस्तों, नेगेटिव को भी कनेक्ट कर देना है। फिर जो उसका आउटपुट होगा, NPN में नेगेटिव ही आउटपुट मिलेगा, तो हमारा जो नेगेटिव है उसको एक कनेक्टर में कनेक्ट कर देना है। इसके बाद उसका जो आउटपुट निकलेगा वो हमारी SSR रिले को दे देना है। अब दोस्तों जैसे ही हमारा सेंसर किसी को सेंस करेगा, ठीक है, सेंस करने के बाद जो आउटपुट जनरेट होगा उससे हमारी जो SSR रिले वो ऑपरेट होगी। ऑपरेट होने के बाद हमारा जो जो बल्ब है वो हमारा जलेगा। अब बल्ब को जलाने के लिए भी हमें अलग से फेज देना पड़ेगा, न्यूट्रल हम लोगों को डायरेक्ट हमारे बल्ब को दे देना है। फिर हमारा फेज जो इनपुट होगा, फेज हमारे SSR के लिए, उसमें फेज कनेक्ट कर देना है। फिर क्या होगा, वही फेज हमारा आउटपुट से हमारी बल्ब के लिए निकल जाएगा। इस तरीके से आसानी से हम लोग SSR रिले की वायरिंग को भी कर सकते हैं।